Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Histogram. A histogram is a type of bar chart and represents the distribution of numerical data. Ye yaad rakhe, numerical data. That represents the distribution of numerical data by grouping values into intervals and displaying frequency of data points within each interval. न्यूमेरिकल डाटा को ग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इसके इंटरवल्स में पहले कन्वर्ट कर लिया जाता है, उसके बाद हर इंटरवल में कितनी वैल्यूज फॉल कर रही हैं वो एक टेबल कंस्ट्रक्ट होता है। जैसे अगर आपके पास रॉ डाटा गिवन है तो उसमें सबसे पहले हिस्टोग्राम में ये होगा कि आपने इसको कंटीन्यूअस ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करना होता है। द पर्पज ऑफ अ हिस्टोग्राम इज टू visually show the shape, data की shape आपने visually show करनी होती है, spread यानी variation and center tendency of the data set। तो ये तीन काम ये करेगा, एक तो उसकी shape को display करेगा, दूसरा इसी shape से उसी histogram variation को show करेगा, values कितनी vary कर रही and center tendency of the data set। और इससे हमें इसकी जो एवरेज है उसका भी हमें ये हमें इंफॉर्मेशन देगा, हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, आउटलायर्स एंड ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन। इन क्वालिटी कंट्रोल हिस्टोग्राम्स आर यूज्ड टू असेस प्रोसेस वेरिएशन। क्वालिटी कंट्रोल में ये प्रोसेस वेरिएशन को असेस करता है एंड डिटरमिन इफ डाटा मीट्स स्पेसिफाइड लिमिट्स, और ये भी हमें बताएगा कि क्या वो स्पेसिफाइड लिमिट्स को मीट करता है डाटा या नहीं करता। जैसे फर्ज करें कि एक हमारे पास एक डाटा है बस्टिंग स्टैंड्स फॉर 100 ग्लास कंटेनर्स, उस पर 100 ऑब्जर्वेशंस पर मुश्तमिल एक डाटा है, ठीक है। सबसे पहला जो काम होगा हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करना होता है। ग्रुप डाटा के लिए आपको पहले ग्रुप्स डिसाइड करने हैं, कितने ग्रुप्स बनाएंगे, उसका इंटरवल क्या रखेंगे, लाइक यहाँ 170 टू 190 ये 20 का इंटरवल है और स्टार्ट हम 170 से कर रहे हैं, तो कितने ग्रुप्स बनने हैं इसका डिसीजन हमें लेना होता है। इसके लिए इस पर्पज के लिए आपने ये काम करना है, कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी आपको कि इसमें सबसे जो मिनिमम वैल्यू है उसको फाइंड आउट करें, लाइक इस सारे डाटा सेट में जो मिनिमम वैल्यू है वो 176 है, मैक्सिमम वैल्यू इस डाटा के अंदर जो अक्कर की है वो है 346, राइट। इन दोनों की रेंज फाइंड कर लेते हैं, लाइक 346 माइनस 176, तो इनका डिफरेंस लेकर हमारे सामने एक रेंज वैल्यू मिल जाती है, वो बनती है यहाँ 170। देन हमें एक डिसीजन ये लेना होता है कि कितने नंबर ऑफ क्लासेस बननी है और इंटरवल कितना होगा। अच्छा, इन दोनों में आपको पहले एक डिसीजन लेना होगा कि लाइक जैसे नंबर ऑफ क्लासेस हैं, तो नंबर ऑफ क्लासेस लेट्स से कि हम इसमें कुछ 10 बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आगे फिर हम इसकी डिसीजन ले लेंगे इंटरवल, इंटरवल ऐसा होगा कि रेंज को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ क्लासेस से, तो यहाँ हमारे पास रेंज 170 है, 170 डिवाइडेड बाय 10, 10 जो है वो हमने नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड की है, तो 10 जब डिवाइड करते हैं तो 17 हासिल होता है, 17 का इंटरवल यहाँ ये सुजेस्ट कर रहा है। 17 को अगर राउंड ऑफ कर लिया जाए तो ये 20 अप्रोक्सीमेटली, हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं तो वो 20 पर ले गए, 20 अगर हम इंटरवल रखते हैं इसका स्टार्ट तो लेना चाहिए 176 से, 176 जो है वो मिनिमम वैल्यू है लेकिन हमने इसका स्टार्ट 170 से ले लिया है, सो 170 वो भी इसलिए लिया है ताकि ये एक राउंड फिगर हमें हासिल हो।
तो ये 17 को भी 20 हमने इस तरह बना लिया है ताकि ये राउंड फिगर हासिल हो। तो 20 का इंटरवल के साथ हमने ग्रुपिंग कर ली है इस डाटा की, 170 टू 190 और 192 टू 210। तो इस तरह से हमने इसके ग्रुप्स कंस्ट्रक्ट कर लिए ना। तो जब हम ग्रुप्स बना लें और मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, यहाँ देखें 346 है, तो 350 तक लास्ट जो अपर लिमिट है लास्ट ग्रुप की, वहाँ हम 350 तक इसको ले जाते हैं। आगे इसका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है इस ग्रुप की, तो इसका टैली बार एक टेक्निक होती है। टैली बार में ऐसे समझ लें जैसे आपने डाटा एक तरफ से रीड करना है, या तो कॉलम वाइज रीड करते हैं ठीक है, या फिर रो वाइज। लाइक वन, यहाँ 265 है, तो 265 का जो कॉलम है तो 265 वहां जाकर आप एक टैली लगा दें, एक बार लगा देंगे, उसे टैली बार कहते हैं। कांटेक्स्ट ग्रुप डाटा में याद रखिएगा कि 190 जो इसकी अपर लिमिट है, नेक्स्ट भी जो स्टार्ट है इसका 190 से ही है, यानी अपर लिमिट और जो नेक्स्ट ग्रुप का लोअर लिमिट होती है वो सेम होती है कांटेक्स्ट ग्रुप डाटा के अंदर। लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ये 170 इंक्लूड होती है और जो लास्ट अपर लिमिट होती है वो उस ग्रुप में इंक्लूड नहीं होती। अगर मैं इसको मैथमेटिकली दिखाना चाहूँ तो वो कुछ यूं दिखाऊंगा कि 170 लेस आर इक्वल्स टू, यानी शामिल है, यानी 170 को इंक्लूड कर लेते हैं और जो है आपकी जो अपर लिमिट है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। इस तरह नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रुप में आप क्या करेंगे, 190 इसमें लेस आर इक्वल्स टू, अगर मैं फर्स्ट कर एक्स कह देता हूँ, लेस देन 210। तो 210 जो है वो इंक्लूड इस ग्रुप में नहीं है बल्कि नेक्स्ट ग्रुप में इंक्लूड होगा ठीक है। तो ये कांटेक्स्ट ग्रुप डाटा में हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ इसके हम बार लगाएंगे। टैली बार इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से एक वैल्यू और इधर जो हमने ग्रुप्स डिजाइन किए हैं उन दोनों को टैली करते हुए एक बार लगाएंगे, इसलिए इसको टैली बार कहा जाता है। 265 तो यहाँ एक टैली बार लगा दिया गया, 265 इस ग्रुप में फॉल करता है। अगर फर्ज करें 270 होता तो हम 270 नेक्स्ट ग्रुप में उसका बार हम यहाँ लगाते, अदरवाइज क्योंकि 270 जो है वो नेक्स्ट ग्रुप में होगा, यानी ये जो हमें लास्ट लिमिट नजर आ रही है ये इस ग्रुप में नहीं है और ये नेक्स्ट ग्रुप में इंक्लूड करेंगे। अगर 190 इस नेक्स्ट ग्रुप में है तो ये 189.999 जो भी वैल्यू होगी वो विद इन दिस ग्रुप होगी, यानी 190 नेक्स्ट ग्रुप में फॉल कर जाती है। इस तरह 210 जो है वो नेक्स्ट ग्रुप में फॉल करेगी अगर 210 हमारे पास वैल्यू मिलती है। तो इस रूल के साथ हम आगे टैली बार लगा देते हैं, मतलब 205 205 अब हमारे पास इस ग्रुप में आ रहा है तो यहाँ एक टैली लगा देते हैं। इसी तरह 263 263 तो 263 वो यहाँ आते हैं इस ग्रुप में, तो यहाँ एक टैली लगा देते हैं। तो यूँ हम टैली बार सारे डाटा को इस तरह रीड करते हुए, चाहे कॉलम वाइज आप रीड कर लें चाहे आप रो वाइज रीड कर लें, तो यूँ हम टैलीज लगाते जाएंगे, यानी टैली बार लगाते जाएंगे। और ये अब याद रहे कि जब हम इस तरह कंप्लीट करते जाएंगे जो जो फिफ्थ वैल्यू होती है उसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं। अगर यही प्रोसेस जारी रखें तो पहली बार जो है वो इस तरह से हमारे पास एक डाटा कंप्लीट हो जाता है। ये जो मैंने कट किया हुआ है 4 टैलीज 4 बार के बाद फिर इसको इस तरह क्रॉस कर दिया गया है, तो ये 5 के लिए होता है। अगर ये फर्ज करें 4 हमें शो करना है ठीक है, अगर हमें 4 शो करना है तो फिर हमारे सामने ऐसे 4 होगा, और लेकिन अगर ये 5 है तो फिर क्या होता है, फिर इसको क्रॉस कर दिया जाता है। जैसे यहाँ 6 है, 6 के लिए क्या है कि 5 का एक ब्लॉक बन जाएगा, यानी 4 के बाद क्रॉस कर देंगे वो 5 का एक बन जाएगा यूनिट, और देन 6 के लिए एक और हम बार लगा देते हैं। तो इस तरह से टैली बार लगाते हुए हम एक
एक डाटा सेट जो है ग्रुप डाटा वो डिजाइन कर लेते हैं और यहाँ आप काउंट कर लें, फिर ये टू है तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगला कॉलम बना लें इनकी फ्रीक्वेंसी का। अब मैं फिर आपको डाटा की तरफ लेके जा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, बताना चाहता हूँ कि जब आपने ये टैलीज लगानी है तो वन बाई वन करके, मसलन अगर आप 307 नेक्स्ट वैल्यू आ रही 307 तो आप जाएंगे 307 वाले ग्रुप में, 307 वो ये ग्रुप है तो 307 में एक टैली लगा देंगे। फिर नेक्स्ट आ रही है वैल्यू 307 के बाद 220, तो 220 इस ग्रुप में फॉल कर दिया 220, ओके 220, 268 268 यहाँ आ जाते हैं 268 260 तो 260 भी इसी ग्रुप में आ रही है। 234 इज इन द फोर्थ ग्रुप, 234 299 एंड 299 इज इन दिस ग्रुप, टाइप द बार 215 एंड 215 इज इन थर्ड ग्रुप। सो इस तरह से आपने सारा डाटा रीड करते जाना है और टैली बार लगाते जाएंगे, जैसे ही वो 5-4 के बाद जब अगर फिफ्थ वैल्यू होगी तो फिर आप उसको क्रॉस कर देंगे। जब ये आप टैली बार सारे लगा चुके हैं, कॉलम कंप्लीट कर चुके हैं, तो फिर आपने एक फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम कंस्ट्रक्ट कर लेना है। इसको रीड करें कितना कितने बार हैं, 2 हैं, तो आपने 2 इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ लगा देनी है। इस तरह ये 5 है और ये 16, इस तरह से 100 वैल्यूज का को हमने कन्वर्ट कर लिया है एक ग्रुप डाटा में। इस ग्रुप डाटा में जब कन्वर्ट कर लें तो फिर आपने इस तरह से एक बार बना, एक एक चार्ट बनाना है। एक्स एक्सिस पर आपने ये वैल्यूज ले ली हैं, एक्स वैल्यूज जैसे 192 पहली वैल्यू आ रही है, ये देखिए पहले लिखना तो यूं चाहिए था 172 190, ठीक है 170 इसका स्टार्ट वैल्यू है और 190 इसकी जो है अपर लिमिट है। दोनों लिमिट्स भी शो कर सकते हैं या फिर आप कोई एक लिमिट शो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ शो कर दिया गया है। और वाई एक्सिस पर आप लेंगे फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी जैसे पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 2 है तो उसकी जो हाइट है वो आप उस 2 पर रख लेंगे। ये वाई एक्सिस पर आपने फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो यूं आपने यहाँ पर 190 यानी अपर लिमिट ले ली गई है, 190 210 230 इस तरह से। तो ये आपने इस बार चार्ट यानी कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ये गैप आप यहाँ शो भी कर सकते हैं या आप इसको शो ना भी करें, यानी इस गैप को गैप विड्थ जो है वो आप इसको बिल्कुल जीरो कर सकते हैं, जैसे कि आप मैंने कर दिया है, ठीक है ना। तो इनको बार जो आपका हिस्टोग्राम है तो इसमें दोनों तरह से रिकमेंडेड है, दोनों तरह से अलो है कि आप इसमें गैप भी देना चाहें तो दी जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से एक हिस्टोग्राम बन जाता है। हिस्टोग्राम में हमें कुछ शेप का आइडिया हो जाता है कि शेप इसकी, यहाँ देख अगर मैं इसको एक कर्व फ्री हैंड कर्व बनाना चाहो ना, मतलब इसके सेंटर में से अगर मैं गुजारूं ये एक कर्व, ये इन बार्स के जो अपर साइड है उनके सेंटर से अगर मैं गुजारता हूं तो ये एक तकरीबन नॉर्मल बन रही है। तो यहां से अंदाजा हो रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, और सेंट्रल जो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ एक सेंटर है इसका ना, तो यानी 270 जिसके अपर लिमिट है, 270 जिसकी अपर लिमिट है वहां लाई कर रहा है जो सेंटर वैल्यू है, या उसे कह रहे इसका जो मीन है वो इस ग्रुप में लाई कर रहा है। इस इन दोनों का अगर आप एवरेज ले लें तो वो हमारा बन जाता है सेंट्रल वैल्यू, मीन कैलकुलेट हो जाता है। तो इससे अभी शुरू में ये किया था कि इससे क्या क्या हमें अंदाजा हो रहा है, एक तो इसकी शेप का अंदाजा हो जाता है कि ये सिमेट्रिक है, नॉन सिमेट्रिक है, नॉर्मल है, कौन सी शेप है, जे शेप्ड है,
तो इसका ट्रेंड इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो या ये अंदाजा हो जाता है। फिर दूसरा इसका स्प्रेड का अंदाजा हो जाता है। स्प्रेड में आप बार्स बार्स की जो हाइट्स हैं, डिफरेंट हाइट्स हैं, ठीक है, ये वो वेरिएशन को शो कर रही होती हैं। तो इससे हमें ये भी अंदाजा हो जाता है कि इसके स्प्रेड का, और अभी मैंने डिस्कस किया कि इसका सेंटर टेंडेंसी का अंदाजा हो जाता है, इसके एवरेज का अंदाजा हो जाता है। तो पैटर्न, आउटलायर्स, फिर क्वालिटी कंट्रोल में अगर हम हिस्टोग्राम डिजाइन कर लें, हिस्टोग्राम एक फर्स्ट लुक होता है कि उसमें प्रोसेस वेरिएशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हिस्टोग्राम। तो इस तरह से हमें पता चला कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम इफ द रॉ डेटा इज गिवन। सो फर्स्ट कन्वर्ट दिस रॉ डेटा इनटू द ग्रुप फॉर्म, एंड ग्रुप ए कन्वर्जन ऑफ द ग्रुप फॉर्म इज द प्रोसेस इन्वॉल्व हेयर। द फर्स्ट फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू, देन मैक्सिमम वैल्यू, एंड देन फाइंड द रेंज एंड डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ क्लासेस एंड यूज अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इंटरवल आर बिन वैल्यूज। इंटरवल्स कह लें या बिन कह लें, ये की बात होती है, विच इज रेंज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ क्लासेस। अच्छा, एंड वाइस वर्सा, अगर आप इंटरवल डिसाइड कर लेते हैं, लेट से 20 का इंटरवल डिसाइड कर लेते हैं, देन यू कैन फाइंड द अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ क्लासेस यूजिंग द सेम फॉर्मूला, एंड नाउ द रेंज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्लासेस, देन यू फाइंड इंटरवल, एंड इफ द रेंज डिवाइडेड बाई इंटरवल देन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्लासेस। जैसे ही आप डिसाइड कर लें कि इसके क्लासेस और इंटरवल्स का, तो आपने पहले अपने ग्रुप्स बना लेने हैं, और उसी इंटरवल और जो आपने डिसाइड किए होते हैं उतनी क्लासेस बन जाएंगी। फिर आपने इनको फ्रीक्वेंसी कंप्यूट करने के लिए आप एक टैली बार का यूज करेंगे। टैली बार में ये होता है कि आपने डाटा, अगर लेट से ये डाटा अगर यानी टैली बार आपकी हेल्प करता है कि एक वैल्यू को एक सीक्वेंस के साथ आप लेते हैं और टैलीज लगाते हैं, ठीक है ना, तो फिर इसका मतलब है कि एक बार ही आपको डाटा रीड करना पड़ेगा, और जैसे ये सारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपके पास एक ये वाला कॉलम कंप्लीट हो जाता है टैली बार का। जैसे ही टैली बार आपको मिल जाए तो इससे हमें काउंट मिल गया, यानी इस विद इन दैट इंटरवल कितनी वैल्यूज हैं, कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो पहला प्रोसेस ये है, यानी इसमें हमें ये पता चल रहा है कि विद इन ईच इंटरवल कितनी वैल्यूज हैं, लेकिन डिस्प्लेइंग द फ्रीक्वेंसी डेटा पॉइंट्स, यही बात हो रही है ना, कि डिस्प्लेइंग द इन इन हिस्टोग्राम डिस्प्लेइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा पॉइंट्स इन विद इन ईच इंटरवल, हर इंटरवल में या हर बिन्स में कितनी कितनी वैल्यूज हैं, वो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है इन हिस्टोग्राम। और ये है जहां हम एड डाटा लेबल में जाकर इसको डाटा लेबल, तो यहाँ देखिए ये फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अगर मैं तमाम के ऊपर यही लगा दूं तो वो तमाम फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें मिल जाएंगी। लाइक देखें, अगर मैं कहता हूँ कि एड लेबल एडिट डाटा लेबल, तो फर्ज करें ये, हाँ जी यूं आ गया जी, इसको मैंने ऐड कर लेना है, ये डाटा लेबल अनचेक करके दोबारा लगाएं, तो ये देखें यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि किस ग्रुप में कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। सो क्वालिटी कंट्रोल में ये एक टूल है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम आपके डाटा को एक शेप देता है, आपके डाटा की सेंटर टेंडेंसी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देता है, फिर वेरिएशन के बारे में आपको यहाँ बता रहा होता है, दूसरा इसके वेरिएशन, प्रोसेस, शेप, ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, और विद इन द ग्रुप हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर देयर, उसके बारे में भी ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती हैं। तो ये हिस्टोग्राम था कि इसका पर्पस, इसकी डेफिनेशन,
और अगर हमें वैल्यूज दी हैं, डाटा डाटा अगर हमें दिया है तो फिर हम इस किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं हिस्टोग्राम। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि ये जो डाटा होता है वो कॉन्टीन्यूस कॉन्टीन्यूस डाटा होता है, कॉन्टीन्यूस होना जरूरी है इसमें हिस्टोग्राम के लिए। तो ये था आज का टॉपिक, हिस्टोग्राम, हाउ टू कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम। ओके, अल्लाह हाफिज़।